अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी बाज की तरह निगाह लगाकर बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि क्या देवेंद्र फडणवीस जी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद जैसे हमने आज देखा कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी लोकतंत्र आज सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा चुका है, इसके पीछे क्या कारण थे, अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आज क्या हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अजीत पवार, क्या अजीत पवार अकेले हैं, ये मानने को अजीत पवार बिल्कुल तैयार नहीं है। और कुछ क्या विधानसभा कार्रवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक दखल दे सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, उसको हम तरतीब बताएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार के वकील श्री मनिंदर सिंह जी ने ये अपना पक्ष रखा कि हमारी चिट्ठी सही है, अजीत पवार ही कहा कि वो ही एनसीपी हैं। और उसके बाद मनु संघवी जी ने अपना एनसीपी का भी पक्ष रखा, अपने कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस का पक्ष रखा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि एसजी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के आगे ये गुहार लगाई कि सर ये फैसला जल्दी दे दो, क्योंकि एमएलए कमरों में बंद हैं। एमएलए कमरों का में बंद होने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र कमरों के अंदर बंद हैं। जब ये बात आई तो इन्होंने इन सभी की एक ही मांग थी कि फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास हो सके। जब इतनी बारी सभी बातें हुई तो उसमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि फैसला देना हमारा विशेष अधिकार है, और हम ये सभी तथ्य पूरी तरह निष्पक्ष छानबीन के बाद हम ये फैसला उन्होंने होल्ड रख लिया 10:30 बजे कल तक के लिए, ये फैसला होल्ड रख लिया। अब जैसे ही फैसला होल्ड रखा गया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही गर्माहट शुरू हो गई है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं है, ये प्रश्न है डेमोक्रेसी का। अब शायद ये वक्त आ गया है कि सभी लीडरों को अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर डेमोक्रेसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने अपने अंतरात्माओं की आवाज़ पहचाननी चाहिए, ताकि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास हो सके। और उसके बाद जब ये बातें चल रही थी तो अब ये देखना है कि फ्लोर टेस्ट विधानसभा का, उसके बाद राज्यपाल को दोनों ने ही अपनी चिट्ठियाँ प्रदान कर दी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हमारी पूर्ण रूप से बहुमत है। अब हम बात करेंगे जैसे एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना ये कह रही है कि पवार हमारे साथ है, इसी तरह से बीजेपी और अजीत पवार ये कह रहे हैं कि पवार हमारे साथ में। पवार का मतलब पावर, असली पावर किसके साथ है, ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर है, ये फ्लोर टेस्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखा जाए कि आज की डेट में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वत है, और भारतीय जनता पार्टी के बाद के पास क्या विकल्प होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है महाराष्ट्र का इलेक्शन, यहाँ पर सरकार बनानी, और क्योंकि नागपुर भी यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए सब कुछ इस इलेक्शन में इस सरकार पर लगा हुआ है। अब हम देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प होंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा सकेंगे। उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जो विकल्प हैं ये हैं कि कुछ MLA फ्लोर टेस्ट के दौरान एबसेंट हो जाएं, कुछ वोट ना दें, या कुछ MLA रिजाइन कर भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकट देकर द्वारा से उनको इलेक्शन करवाकर फिर अपने विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। अब इसमें यहाँ भी देखने आता है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर्नाटका का इतिहास दोहराएगी, क्या कर्नाटका का इतिहास दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो भविष्य के गर्भ के अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन फिलहाल आज की दौर में, आज की डेट में हिंदुस्तान का जो आवाम, जो आम लोग, जैसे हम लोगों के बीच में भी जाते हैं, ये हमारी धारणा नहीं है, ये आवाम की धारणा है हिंदुस्तान के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गांधीनगर से लेकर असम तक, सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र को किस तरह से बचाया जा सके। ये डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की महाराष्ट्र के ऊपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।